जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है अष्टाश्रम में। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो सबके जीवन में बहुत जरूरी है। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में कि यदि आप ये चार पांच चीजें नियमित रूप से अपने घर में करते हैं तो आपके घर में कभी ना तो दरिद्रता आएगी, ना आपके घर में धन से संबंधित समस्या होगी, ना आपके परिवार में कलह होगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। नकारात्मक ऊर्जा की बात करें तो वो भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और आपके जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते चले जाएंगे और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की, जिसको हम बोलते हैं, वो करने लगेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन और जीवन में वृद्धि कैसे प्राप्त करें और क्या नियमित रूप से ऐसी चीजें करें। कुछ चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में जिनको नियमित रूप से करने से आपके जीवन में लाभ ही लाभ होते हुए दिखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे कि समय से आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो में मैं मित्रों बात करने वाला हूं कि जीवन में ऐसा हम नियमित रूप से क्या करते रहें जिससे कि जीवन में हमारे परेशानियां ना आए, धन संबंधी परेशानियां खास तौर पर ना आए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते चले जाएं। और ये जब बात कर रहे हैं कि घर में अगर आप नियमित रूप से इन चीजों को करते हैं तो घर में प्रत्येक सदस्य की बढ़ोतरी होने वाली है। प्रत्येक सदस्य के बारे में यदि हम बात करें तो प्रत्येक सदस्य के जीवन में उन्नति होती हुई आप देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एक एक करके। तो पहली बात कर रहा हूं कि जब भी आप घर में सुबह जगते हैं तो बिना नहाए शुद्ध हुए आपको किसी भी भगवान को टच नहीं करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। जनरली क्या होता है कि भगवान जी को बिना नहाए यदि आप छूते हैं तो आप ये मानिए कि आप पूरे दिन की जो अशुद्धता है वो रात को एक जगह इकट्ठी होती है और उसके बाद जब आप भगवान जी को छूते हैं तो ये अशुभ माना जाता है। अशुभता की वजह से आपको भगवान जी को, किन्हीं भगवान जी को भी टच अपने घर में नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि पहली चीज अपने जीवन में नियमित रूप से लागू करें कि भगवान जी को बिना नहाए बिना शुद्ध की हुए आपको नहीं छूना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी आप अपने पूजा घर से फूल उठाते हैं, जो पुराने फूल हैं उनको आप जब हटा रहे हैं तो आप उनको बड़े अच्छे तरीके से हटाएं। ऐसा नहीं कि आपने फूल हटाए और उसी दिन आपने अपने घर से बाहर कर दिए। आप उनको एक जगह एकत्र कर लिए कुछ दिन के लिए और उसके बाद उनको सही जगह पर बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं तो वहां करिए, या कहीं पर कोई स्थान आपके शहर में या आपके घर के आसपास है जहां पर पूजा की चीजें विसर्जित की जाती हैं, वहां पर सम्मान पूर्वक उनको विसर्जित करिए। तो दूसरा काम आपको यह ध्यान रखना है कि जो पुष्प आप अर्पित करते हैं तो जितनी श्रद्धा से आपने अर्पित किए हैं उतनी ही श्रद्धा से आप उनको विसर्जित करिए। तीसरी बात की बात करेंगे, प्रतिदिन आपके घर में सुबह और शाम दीप जलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह पूजा कर ली तो शाम को नहीं करना है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको प्रतिदिन अपने घर में सुबह और शाम दीपक अवश्य जलाना चाहिए पूजा घर में। इससे होता यह है कि जब आप भगवान को आप प्रकाश दिखाते हैं तो भगवान खुश होकर आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश करते हैं, हर तरफ से उन्नति भेजते हैं। अगली चीज की बात करेंगे, चौथी चीज, और वो है ये कि आपको जब भी भोजन करना है तो भोजन करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो मुख है वो ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। आप चाहे जहां बैठ के खाना खा रहे हैं, जिस जगह भी बैठ के आप खाना खा रहे हैं अपने घर में, चाहे डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, चाहे आप जमीन पे बैठ के खा रहे हैं, चाहे आप ऐसी जगह पे खा रहे हैं जहां पर कोई भी आपके पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो जमीन पे बैठ के यदि आप खा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख ईस्ट यानी पूर्व की तरफ होना चाहिए। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे और धन वृद्धि भी इससे होती है और मस्तिष्क भी तेज रहता है यदि आप ईस्ट की तरफ मुख कर भोजन प्राप्त करते हैं। अंतिम चीज की बात करेंगे जो आप अपने जीवन में नियमित रूप से करते हैं तो लाभ मिलेंगे, और वो है कि आपका घर का जो ईशान कोण है, जिसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व का कोना, ईशान कोण जिसको हम कहते हैं, वो साफ और शुद्ध रहना चाहिए। यानी कि नियमित रूप से वहां पर सफाई होनी चाहिए क्योंकि उसको देव स्थान माना गया है। अब आपके घर में ईशान कोण पर कुछ भी बना हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा कि ईशान कोण आपका कहां पड़ता है और उस ईशान कोण में यदि नियमित रूप से सफाई नहीं होती है तो आपको सफाई और शुद्धता अवश्य रखनी चाहिए। ये पांच चीजें जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं अपने जीवन में नियमित रूप से यदि आप करेंगे तो आप समझ लीजिए कभी भी जीवन में दरिद्रता, धन की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होंगी और जीवन में उन्नति आपको मिलती चली जाएगी और आपके घर में सब लोग उन्नत होते हुए आपको दिखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब
और फॉलो करें, बेल आइकन को दबाएं। राधे राधे।